आप्यायन्तो ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं मा निराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेयोपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्तिः 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 शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति 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 छांदोग्य उपनिषद के षष्ठ अध्याय तृतीय खंड द्वितीय मंत्र के ऊपर विचार है। परमात्मा देवता ही भूतों में जीव रूप से प्रविष्ट है। तब तो जीव मिथ्या है, जीव शब्द का वाच्य तो मिथ्या है प्रतिम्ब होने से, तो वाच्यार्थ मिथ्या होने पर भी लक्षार्थ ब्रह्म है, इसलिए जीव ब्रह्मात्मना सत्य है, अधिष्ठान से अभिन्न रूप से ये सत्य है, मिथ्या नहीं है। इसी प्रकार जगत को भी समझना है। तथा जीवो भी कहा, जगत को जैसा समझना है जीव को भी बोला। जैसे जगत स्वरूप से मिथ्या है, मतलब जगत जैसा दिख रहा है नाम रूप से दिख रहा है इसलिए मिथ्या है, और सत रूप से अर्थात अधिष्ठान से अभिन्न की दृष्टि से देखेंगे तो जगत सत्य होता है। इसी प्रकार जीव को भी समझना है। आगे विचार है, अथ भोक्ता स्वरूपेणापि सत्यो अस्तु, भोग्य प्रपंचस्यैव मिथ्यात्वम् इष्यताम्। ठीक है, भोक्ता स्वरूप से सत्य हो, भोग्य प्रपंच मिथ्या हो ऐसा स्वीकार कर, इतिआशंक्या हो, बोलते हैं देखो जक्षान रूपो ही बले इति न्याय प्रसिद्धि, ये न्याय है, जक्षा जैसा होता है उसी प्रकार उनको बलि दी जाती है, सबको समान बलि दी जानी कोई जरूरत नहीं है,
है ना, ये ले कहीं चावल भी थोड़ा डाल देते हैं तो बलि हो जाती है। ये लौकिक न्याय है, इसका तात्पर्य क्या है, टीकाकार लिखते हैं। तो लौकिका न्याय अनुसारेण भोग्य प्रपंचस्य मिथ्यात्वे, भोग्य प्रपंच क्या है, मिथ्या है, दृश्य होने से, व्यभिचारी होने से है ना, विकारी होने से, ये सब मिथ्या है। सदसत्व अनधिकरण होने से ये सब मिथ्या है, मिथ्या का ये लक्षण करते हैं। सदसत्वानधिकरणत्व मिथ्यात्व, सत भी नहीं असत भी नहीं, और स्वाश्रनिष्ठ अत्यंत भाव प्रतियोगित्व ये मिथ्या है। सर्प जहाँ पर दिख रहा है वहाँ पर है ही नहीं, वहाँ पर अत्यंत भाव है। ये स्व है, स्व शब्द सर्प हुआ, उसका अधिष्ठान है रस्सी, उसमें तीनों काल में अभाव है, अत्यंत अभाव है सर्प का, इसको कहते हैं मिथ्या। स्वाश्रनिष्ठ अत्यंत भाव प्रतियोगित्व मिथ्यात्व। इसमें अगर जगत भी, जगत जहाँ पर दिख रहा है कहाँ पर, ब्रह्म में ही, घटो अस्थि घट अस्थि में ही है, वह सारा जगत को लेना है। अथवा ज्ञान निवर्तत्व मिथ्यात्व, ज्ञान से जो निवृत्त होता है ना ये मिथ्या है ना, जो रज्जु के ज्ञान से सर्प का बाध हो जाता है, ठीक है, इसलिए ज्ञान से जो बाधित है वो मिथ्या है। हाँ जी, सदसत्वानधिकरणत्व, सदसत्वानधिकरणत्व सदसत्वानधिकरणत्व। हाँ जी, हाँ अच्छा, वो है दूसरा बेहतर, ये दूसरा लक्षण, स्वाश्रयनिष्ठ अत्यंत भाव प्रतियोगित्व, स्वाश्रयनिष्ठ अत्यंत भाव प्रतियोगित्व। ठीक, स्वाश्रय निष्ठात्यंत भाव प्रतियोगितम, संधि करके, ठीक है। तो सर्प का आश्रय है रस्सी, रस्सी में सर्प का अत्यंत भाव है, किसका अत्यंत भाव है, सर्प का, तो अत्यंत भाव का प्रतियोगी सर्प हुआ, है कि नहीं। हाँ, सर्पो नास्ति, कुत्र नास्ति, रज्जो, रस्सी में सर्प है ही नहीं, कौन नहीं है, सर्प नहीं, रस्सी तो है, यही हो गया सर्प मिथ्या। इस जगह जगत दिखने पर भी ब्रह्म में जगत है ही नहीं, नेह नास्ति किंचन, इसलिए जगत मिथ्या है ना। जगत अभी है कि पहले था कि अभी है, अभी भी नहीं है। आधा बनते जय नास्ते बते मना पी तत्था, ये नियम है ना, जो पहले नहीं आगे भी नहीं, बीच में जो दिखेगा वो भी नहीं है, उसको मिथ्या समझना है ना। तीसरा लक्षण बताया आपको, ज्ञान निवर्तत्व, ज्ञान निवर्तत्व मिथ्यात्म, रज्जु के ज्ञान से सर्प का निवर्तन बाद होता है, इसवे का ब्रह्म के ज्ञान से जगत का बाद होता है ना। इसलिए विश्वमाया भूयश्चान्ते विश्वमाया निवृत्ति, ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर सबकी निवृत्ति, माया माई का पदार्थ सबकी निवृत्ति। तो चौथा है
प्रतिपन्नो उपाधौ त्रैकालिक निषेध प्रतियोगितम्। प्रतिपन्नो उपाधौ त्रैकालिक निषेध प्रतियोगितम्। प्रतिपन्नो उपाधौ त्रैकालिक निषेध प्रतियोगितम्। ये मिथ्या है। प्रतिपन्न उपाधौ त्रैकालिक निषेध प्रतियोगित्व। जैसे ज्ञादृश्य द्वितीय और चौथा समान जैसा ही है। प्रतिपन्न उपाधि मतलब अधिष्ठान, उपाधि का मतलब यहाँ पर अधिष्ठान। ज्ञादृश्य में सर्प है क्या? तीनों काल में है ही नहीं। त्रैकालिक निषेध हो रहा है ना, सर्प पहले नहीं था, अभी भी नहीं है, आगे भी नहीं होता है। त्रिकाली का निषेध किसका हो रहा है? सर्प का हो रहा है। यदि सर्प मिथ्या है, जगत पहले नहीं था, आगे नहीं रहेगा, अभी अभी भी नहीं है, समझे ना? इसलिए सर्प जैसे मिथ्या है, जगत भी मिथ्या है ना? और एक है सत विविक तत्त्वम मिथ्यात्वम। सत विविक तत्त्वम मिथ्यात्वम है ना। सत सत से जो भिन्न है, सत से भिन्न क्या होगा? असत होगा। मतलब बंध्यापुत्र नहीं, बंध्यापुत्र नहीं, बंध्यापुत्र सत्ता ही नहीं है, शब्द मात्र है। यदि सत से विलक्षण सारा जगत होगा, वही मिथ्या है। तो कहते हैं कि भोग प्रपंचस्य मिथ्यात्व। टीका में चलते हैं। भोग प्रपंच क्या है? मिथ्या है। भोक्तुरपि विभक्त स्वरूपेण तत्प्रसिद्धि। जो भोक्ता है जीव, बोलते ये भी मिथ्या ही है, लेकिन किस रूप से? विभक्त स्वरूपेण। विभक्त स्वरूप मतलब क्या है? जैसे कोई सुखी दिख रहा है, कोई दुखी दिख रहा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई देवता है, कोई मनुष्य, ये है विभक्त स्वरूप। मतलब जैसा दिख रहा ऐसा, भिन्न भिन्न दिख रहा है कि नहीं, है ना? सपनों में आप देखते हैं सब अलग अलग दिखते कि नहीं? कोई गुरु है, कोई शिष्य है, कोई पति है, पत्नी है। इसको कहते हैं विभक्त स्वरूप। बोला जैसा दिख रहा है ऐसा, ठीक है। ये विभक्त स्वरूपेण तत्प्रसिद्धि तस्य मिथ्यात्व है ना। ये मिथ्यात्व की प्रसिद्धि मतलब मिथ्या है जो कौन? जीव, ठीक है। जैसे भोग प्रपंच मिथ्या है, भोक्ता जो जीव ये भी विभक्त स्वरूप से मिथ्या है। इसलिए अतो जीव शब्द वाच्यस्य मिथ्यात्वे अपि। जीव शब्द का वाच्य, शक्यार्थ कहो वाच्यार्थ कहो, जीव शब्द की शक्ति, जीव शब्द की शक्ति विशिष्ट में है। शब्द की शक्ति विशिष्ट में होती है, सामान्य में शब्द की शक्ति नहीं होती है। ये यहाँ पर कह रहे हैं जीव शब्द वाच्यस्य मिथ्या। पहले कह दिया ना चिदावास, चैतन्यभास, भगवान वास्तव ने प्रयोग किया। चैतन्य का जो आभास है, प्रतिबिंब है, वो होता है विशिष्ट, सामान्य नहीं होता है, है ना? इसलिए विशिष्ट में शब्द की शक्ति होने से जीव शब्द का, जीव प्राण धारण है, प्राण का धारण किया, चिदावास तो करेगा। प्राण का संबंध है स्थूल शरीर के साथ, और प्राण में चैतन्य का आभास है, प्राण में कहने से सूक्ष्म शरीर में हो गया, है ना? तो ये होता है जीव शब्द का वाच्यर्थ। वो तो मिथ्या है। क्यों? वही सब घट जाएगा, पांचों लक्षण जीव में घट जाता है, है ना? तो अधिष्ठान ब्रह्म का ज्ञान हुआ तो जीव भाव नहीं रहता है, वो निवृत्त हो जाता है, और वो सत भी नहीं असत भी नहीं है। मतलब जैसा दिख रहा इसी रूप से है कि नहीं, विशिष्ट रूप से वो ना सत है ना असत है,
जो सदसत्व का अधिकरण नहीं होगा, अनधिकरण होगा, ज्ञान से निवृत्त भी है। और तीनों काल में जीव जिस रूप से दिख रहा है उसी रूप से ही नहीं, हो उसका अत्यंत अभाव है ना। ये पांचों लक्षण घट जाएगा, लेकिन किस रूप से? विभक्त स्वरूप से, सामान्य रूप से नहीं, विभक्त स्वरूप से। ये जीव मिथ्या है, जीव शब्द वाच्य मिथ्यात्वपि होने पर भी तद लक्ष्य सन्मात्रस्य सत्यत्वम। देखो, जीव शब्द का जो लक्ष्य है, तो लक्षणावृत्ति से जिसको कहा जाता है उसको कहते हैं लक्ष्य। लक्ष्य कहो, लक्षार्थ कहिए। जीव शब्द का लक्षार्थ विशिष्ट नहीं है, सामान्य है। इसलिए कह रहे सामान्य कौन? सन्मात्र, ऐसा कह रहे। सन्मात्र मतलब सदैव सन्मात्रम, सदैव सन्मात्रम, एव अर्थ में मात्र है, ठीक है। मतलब सत ही है, मतलब विशिष्ट नहीं हुआ, उसमें कोई गुण धर्म सब नहीं, ठीक है। उसमें जो गुण धर्म सब आ गया, सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर में प्रतिबिंब है, ये सब के सब जो है ये असत है, सत नहीं है। सूक्ष्म शरीर भी असत, समझ में आया ना। और उसमें जो चिदाभास है वो भी असत, क्योंकि वो भी दृश्य है। अहम घटम जाना में वहाँ पर अहम भी भास रहा है कि नहीं। तो अहम कहने से उसमें अंतकरण भी आ गया, सब आ गया। इसलिए अंतकरण, अंतकरण में जो विशिष्ट है प्रतिबिंब चिदाभास वो भी दृश्य है, इसलिए दोनों असत है। अंतकरण आदि उपाधि भी असत, उपाधि में जो प्रतिबिंब चिदाभास है वो भी असत है, वो सब दृश्य है ना। इसलिए सत नहीं है, उसका व्यभिचार हो रहा है अभी, उसकी व्यावृत्ति हो रही है। जिसकी व्यावृत्ति नहीं होती है, जिसकी अनुवृत्ति होती है, उसको कहते हैं सत। इसलिए यहाँ पर कहते हैं सन मात्रस्य तद लक्ष्यस्य, जीव शब्द का लक्ष्यार्थ सत एव है ना, इसलिए वो सत्य है, सत्यतम। इति व्यवस्था, इति व्यवस्था इत्यर्थः है ना। ये जो है वेदांत की व्यवस्था है। व्यवस्था मतलब क्या हो गई? क्योंकि पहले जिज्ञासा हो रही थी ना कि जीव सत्य है कि मिथ्या है ना, ये विचार चल रहा था ना। ब्रह्म से भिन्न है कि भिन्न नहीं है, है ना। ये जो जिज्ञासा थी, जिज्ञासा का विषय जीव था, इसलिए उसकी ये व्यवस्था हो गई कि जीव मिथ्या है, विशिष्ट रूप से विभक्त रूप से मिथ्या है, और सामान्य रूप से अधिष्ठान से अभिन्न रूप से ये सत्य है। जीव मतलब लक्ष्यार्थ सत्य है, वाच्यार्थ मिथ्या है, ये व्यवस्था हो गई। इति व्यवस्था इत्यर्थ, इसलिए व्यवस्थापक हो गए ना भगवान शंकराचार्य, व्यवस्था कर दिए सबकी, लेकिन तो हम लोगों के अद्वैत सिद्धांत में व्यवस्थापक कौन है? व्यवस्थक तो भगवान आचार्य है, वही व्यवस्थापक है कि नहीं। यच्च, अब इसके ऊपर थोड़ा सा विचार है। तार्किकैर उच्यते प्रपंचस्य मिथ्यात्वे स्वगत मत अनुमति। प्रपंच यदि मिथ्या हुआ तब तो भाई आप जो है बुद्धों के मत को मान लिया आपने, वो लोग तो कुछ है ही नहीं, आग भी सब कैसे ही कहते हो, तो स्वगत मत हो गया कि नहीं। इसलिए स्वगत मत अनुमति ही प्रपंचस्य मिथ्यात्वे, प्रपंच को मिथ्या मानने पर तो आपके अनुसार किसका शिकार हो गया? स्वगत मता अनुमति, अनुमति मतलब स्वीकार। यहाँ पर अनुपसर्ग मन धातु, मन धातु से तीन पन्ने पर क्या होगा? अनुमति, मन के नकार का लोप होगा, है कि नहीं। तो बन जाएगा अनुमति, अनुमति ले स्वीकृति।
तो स्वगत मत को आपने स्वीकार कर दिया, मतलब स्वगत मत को उनके अनुयायी को आपने क्या मान लिया, फिर गुरु भाई मान लिए, हम दोनों का गुरु एक ही है ना। तो इसलिए क्या होगा, केवल इतना नहीं, प्रपंच को मिथ्या मानने पर स्वगत मत की अनुमति हो गई है ना। अथवा ऐसा कह लो, ये तो आपका अनुवाद मात्र हुआ, पुनरोक्ति हो गई, स्वगत वाले जो मान रहे आप वही कह रहे हो, तो आपका फिर दूसरा क्या सिद्धांत हुआ, केवल अनुवाद करते हो उनके मत का, आपका अलग कोई सिद्धांत तो नहीं हुआ, पुनरोक्ति होगी कि नहीं होगी, हाँ अनुवाद मात्र हुआ ठीक। अच्छा, यदि सत्यत्व आप प्रपंच को यदि सत्य मानेंगे तो कितने सत्य हो गए, दो, ब्रह्म भी सत्य है जगत भी सत्य हुआ, तो अद्वैत की हानि होगी, हाँ ये कह रहे हैं। सत्यत्व च अद्वैत व्याहति, अद्वैत का व्याघात होगा, मतलब अद्वैत की हानि हुई, अद्वैत सिद्धांत नहीं हुआ। आप जो कहते कि अद्वैत का ज्ञान से मोक्ष होगा है ना, इसलिए अद्वैत ज्ञान मोक्ष का हेतु भी नहीं हुआ है कि नहीं, और अद्वैत ज्ञान ज्ञान नहीं हुआ फिर, ये एक तो केवल उपासना मात्र हुई, अद्वैत नहीं है और अद्वैत है मानते हो, तो फिर क्या हुआ, अद्वैत उपासना हुआ ना फिर, जैसे द्वैतवादी लोग मानते हैं जीव ब्रह्म में अद्वैत नहीं है फिर भी मैं ब्रह्म हूँ, ये तो उपासना हुई ना है ना, ज्ञान तो नहीं होगा फिर, अद्वैत जब सिद्ध नहीं होगा तो अद्वैत ज्ञान कहाँ से होगा, और अद्वैत नहीं है और अद्वैत मान रहे हो, वो तो ज्ञान नहीं है ना, उपासना मात्र हुई, भावना मात्र हुई। अद्वैत व्याहति ही इति इति यच्च तार्किकैर उच्यते, ऐसा न करना देखो है ना, इति से पहले प्रपंचस्य तक है ना उनका वाक्य हो गया है ना, इति तार्किकैर यच्च उच्यते, बीच में क्या कहा वो सब बता दिया, प्रपंच मिथ्या होने पर स्वगत मत की अनुमति होगी, प्रपंच को सत्य मानने पर अद्वैत की हानि होगी है ना। तो इति यच्च तार्किक, तार्किक लोग जो कहते हैं हमारे ऊपर, तदपि उक्त न्यायेन निरस्तम, उक्त न्याय से निरस्त हो जाएगा, निरस्त कैसे हो गया, इस प्रकार से हो गया, क्योंकि जगत को हम मिथ्या तो मानते हैं है ना, लेकिन ब्रह्म रूप से सत्य रूप से मिथ्या नहीं मानते हैं, सत रूप से तो ये सत्य है, ब्रह्म से अभिन्न रूप से ये सत्य है, मिथ्या नहीं है, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं मानते, कुछ है ही नहीं पदार्थ, स्वगतवाद वाले कहते हैं, लेकिन इसको तो हम कैसा मानते हैं, अनिर्वचनीय मानते हैं, वो लोग अनिर्वचनीय नहीं मानते हैं जगत को, जगत है ही नहीं बोलते हैं, समझ में है ना, ऐसा है, इसलिए स्वगत मत की प्राप्ति यहाँ पर नहीं होगी। और ये जगत और जीव ये मिथ्या है ना, विशिष्ट रूप से स्वरूप से ये मिथ्या है, परंतु ब्रह्म के अभिन्न रूप से सत रूप से अधिष्ठानिक रूप से क्या है, सत्य है, अध्यस्त पदार्थ अधिष्ठान से भिन्न नहीं होता है, समझ में ना, इसलिए द्वैत की प्राप्ति नहीं होगी, अद्वैत की प्राप्ति होगी है ना, इसलिए अद्वैत की हानि नहीं होगी ठीक है, इसलिए दोनों शंकाओं का समाधान हो जाता है, इसलिए कह दिया तदपि उक्त न्यायेन निरस्तम इति, इसलिए अद्वैत सिद्ध है, अद्वैत ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति भी संभव है, इसलिए कोई विरोध नहीं है, इसी चीज को कहते हैं भाष्यकार, अतः सदात्मना सर्वव्यवहाराणाम सर्वव्यवहाराणाम सर्वविकाराणाम च सत्यत्वम सतो अन्यत्वे च अनृतत्वम इति न कश्चित् दोषः
तार्किकेर यह अनुवक्तुम शक्य सर्वव्यवहाराम जितने भी व्यवहार हो रहा है और विकार भी है कार्य भी है ना, सब ले लीजिए कार्य और कार्य का व्यवहार सब आ गया ठीक। ये सब के सब कैसे हैं सदात्मना सत रूप से अधिष्ठान के रूप से ये सारा जगत कैसा है, जगत भी आ गया जीव भी आ गया दोनों आ गए, ये क्या है सत्य है सत्य है। इसलिए क्या स्वगत मत नहीं आएगा, स्वगत मत नहीं आएगा। सत्व अन्यत्व च अनिदत्तम, ये देखो सत्य जब अन्य मानेंगे भिन्न रूप से देखेंगे ये जगत को और जीव को तो ये कैसा होगा अनिदत्त मिथ्या होगा ठीक है। जैसे पर्दे में चित्र दिख रहा है तो चित्र को यदि पर्दे से भिन्न समझते हैं है ना, तो क्या है सत्य है मिथ्या है ही नहीं। वहाँ पर अग्नि दिख रही है ये सत्य हो जाए तो जल जाएगा पर्दे पर। रेगिस्तान में जाते हैं तो रोड से रोड में कितना दे जल दिखता है कि नहीं, गाड़ी में जाते समय रेगिस्तान में दूर से एकदम जल दिखता है ना, लेकिन जल कहाँ है वहाँ पर है ही नहीं, फिर जमीन गीली हो जानी चाहिए। ये अनृतत्तम सतो अन्यत्वे, सत्य जब अन्य होगा मतलब अन्य मानते हैं तो ये सत्य नहीं होगा मिथ्या है। और दूसरी बात है कि अन्य यदि हो जाए तो फिर जो है उसमें सत को छोड़ दो, फिर उसकी सत्ता रहनी चाहिए। पड़ यदि तंतु से भिन्न हो जाए तो तंतु को छोड़कर पड़ रहे, इस बार घटो अस्थि पटो अस्थि में जो अस्थि अंश न रहे तो घट का कोई अस्तित्व तो नहीं होगा घटपटादि का। इसलिए न कश्चित दोष, हमारे सिद्धांत में किसी प्रकार का दोष नहीं कह सकते तार्किकों के द्वारा। तार्किकेर यह मतलब अस्माकं सिद्धांते अस्मिन् विषये अनुवक्तुं शक्यः न शक्य है ना, ऐसा कहा। ना कश्चित दोष, देखो कोई भी दोष बोल दिया, ना कश्चित दोष अनुवक्तुं शक्यः के ही तार्किके, मतलब तार्किकों के द्वारा कोई भी दोष यहाँ पर दिखा नहीं सकते। कौन दोष, यहाँ पर दो दोष दिया, दो टो दोष दिया ना, फिर प्रपंच मिथ्या होने पर स्वगत मत की प्राप्ति होगी और सत्य होने पर अद्वैत की हानि होगी। और भी सारा जो भी लेना है बुद्धि के अनुसार ले लो, यदि अद्वैत हो जाएगा तो प्रत्यक्ष प्रमाण से विरोध होगा। प्रत्यक्ष प्रमाण से विरोध कैसे, कोई सुखी दिख रहा है तो कोई दुखी दिख रहा है, कोई मोटा है तो कोई पतला है, कोई भूखा है तो किसी का पेट भर रहा है, लेकिन एक भोजन करेगा तो सबका पेट भर जाना चाहिए है कि नहीं। और एक मुक्त होगा तो सब मुक्त हो जाएंगे, एक को ज्ञान होते सबको ज्ञान हो जाएगा, ये प्रत्यक्ष। इस प्रत्यक्ष प्रमाण से विरोध होने लगेगा, ये भी दोष होगा, बोलते दोष नहीं होता है। इस सिद्धांत, इस प्रकार से अद्वैत सिद्धांत में कोई दोष नहीं है। अच्छा, अद्वैतवादे दोषाभावम है, देखो अद्वैतवाद में कोई दोष नहीं है, दोषाभाव है। इसको वैधर्म्य दृष्टांतना स्पष्टयति, वैधर्म दृष्टांत एक होता है, अन्वय दृष्टांत साधर्म दृष्टांत होता है। ये देवदत्त कैसा है, पास में बैठा है यज्ञदत्त, इस प्रकार है। देवदत्त कैसा आदमी है, वो जो देवदत्त आ रहा है वो कैसा आदमी है, इसकी तरह है। मतलब इसमें जैसा गुण है उसमें भी ऐसा गुण है, ठीक है नारायण, ऐसे कह दिए। और वैधर्म दृष्टांत क्या है, जो आने वाला है बहुत अच्छा व्यक्ति है लेकिन पास में बैठा है महान दुष्ट है, मतलब इसकी तरह नहीं, मतलब क्या हुआ, वो व्यक्ति कैसा है मतलब इसकी तरह नहीं, मतलब इससे उनका धर्म अलग है, मतलब ये लड़ाई झगड़ वाला है और वो व्यक्ति सरल है। इसकी तरह नहीं कहने से वैधर्म दृष्टांत हुआ, और इसकी तरह है बोलने से साधर्म दृष्टांत हुआ, ऐसा समझ में। तो यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं,
वैधर्म दृष्टांत है, अद्वैत सिद्धांत में दोष नहीं है। हाँ बोले किस प्रकार नहीं, वो वैध दृष्टांत हुआ ना, किस प्रकार नहीं, अब देखा रहा देखो। यथा इतरेतर विरुद्ध द्वैतवाद, द्वैत को सत्य मानने वाले, तो द्वैत को सत्य मानने वाले एक प्रकार बोलते हैं कि अनेक प्रकार के बोलते हैं? हाँ अनेक प्रकार, ये कह रहे थे इतरेतर विरुद्ध द्वैतवाद। द्वैत माँ में बहुत विरोध है परस्पर में, है ना, बहुत है। सांख्य कुछ बोलता है, न्यायिक कुछ बोलता है कि नहीं। हाँ जैसे कहते तो है जो है सारे वैष्णव लोग सब एक तो हो जाते हैं, हाँ, लेकिन एक जगह बैठा करके बोलो तुम क्या मानते हो, तुम क्या मानते हो, तुम क्या मानते हो, सब लोग बोल रहे हैं तो वैष्णव बोलेंगे, है ना। निंदा की दृष्टि से नहीं बोल रहा हूँ मैं, विचार के लिए बोल रहा हूँ। लेकिन बैठा करके बोलो बोले तुम किस भगवान को मानते हो, है तो सब वैष्णव, लेकिन तुम किस भगवान को मानते हो, कोई बोलेगा कृष्ण को मानता हूँ, और कोई बोलेगा मैं राम को मानता हूँ, कृष्ण ही भगवान है, कोई बोले राम ही भगवान है, और कृष्ण में भी अनेक प्रकार है, कोई द्वारिकादेश को मानेगा तो कोई बाकी बिहारी को मानेगा और महाराष्ट्र में जाएं तो अरे विठ्ठल ही भगवान है, वहाँ पर विठ्ठल जी को मानेंगे, वहाँ पर जाएंगे बालाजी को मानेंगे, और जगन्नाथ जी में जाएंगे तो किसको मानेंगे, जगन्नाथ जी अनेक है कि नहीं बोलो, ये जो बोल देवी में भी ऐसा है, देखो शाक्त में भी ऐसा होगा कि ना होगा, इसलिए परस्पर में ऐसा नहीं जो है वही बोलता है वो बड़ा है तो कोई बोलता है ये बड़ा है, कोई कहते नहीं शिव जी बड़ा है तो कोई बोलता है गणेश जी बड़ा है। पूजा किसकी करते हो सबसे पहले, जो बड़ा व्यक्ति आएगा मान लीजिए किसी अतिथि को बुलाते हैं, जो बड़ा होगा उसी की ना पूजा करते हो पहले, इसी बगैर पूजा किसकी की जाएगी सबसे पहले, गणेश की जाती है, गणेश का आह्वान करते हैं, इसलिए सबसे बड़ा कौन हो गया, अरे गणपति वाले बोलेंगे गणपति मुख्य है वही बड़ा है ये सब जो है इतरे तरह विरुद्ध द्वैतवाद ऐसे बोलते हैं। तो इस क्यों करते हैं ऐसा, स्वबुद्धि विकल्प मात्रा, ये देखो अपने बुद्धि से कल्पना कर लेते हैं ना, है ना, अपने बुद्धि के अनुसार कल्पना कर लेते हैं, हाँ देखो बोलते सांख्य बोलेगा नहीं सत्कार्यवाद है, जगत जो है कार्य पहले से है, और यदि पहले से तो बनाने की क्या जरूरत है, फिर नयायिक बोलेगा कि नहीं, है तो सब द्वैतवादी, सांख्य भी द्वैतवादी, तार्किक भी, नयायिक आदि भी, वो भी सब द्वैतवादी है, या बोलेगा नहीं असत कार्य है, उत्पत्ति से पहले कार्य है ही नहीं, और सांख्य बोला यदि उत्पत्ति से पहले कार्य है ही नहीं फिर जो है वो तिल से तेल क्यों बनाते हो, फिर रेती से तेल पेरो तेल निकल जाए, ये परस्पर में सब विवाद करते हैं। और हमारा तो किसी से विरोध नहीं है, ये लिखा ना गुणपाद भाव अविवादो विरुद्धश्च, हमारा किसी से विवाद भी नहीं है, हमारा किसी से विरोध भी नहीं है, कुछ नहीं है। समझ लिया तो आपको ये समझ में आएगा कि कोई विवाद नहीं, किसी प्रकार का विरोध नहीं, क्योंकि हम यही मानते हैं ना, देखो कह दिए ना सब, ये जगत तो स्वरूप से क्या है मिथ्या है, और अधिष्ठान ब्रह्म से क्या है सत्य, ये कहते हैं। जीव के भी विषय में ऐसा कहा, बोलते हैं जीव और ईश्वर में भेद है कि अभेद, हम तो भेद भी मानते हैं अभेद भी मानते हैं, उपासना का हम निराकरण नहीं करते हैं, है ना, तो ईश्वर शब्द का जो वाच्य तो उपास्य है, और जीव शब्द का वाच्य उपासक है, इसलिए वाच्यर्थ में भेद है, वाच्यर्थ में भेद ही अभेद नहीं होता है, इसलिए उपास्य उपासक भाव सिद्ध होगा, विरोध नहीं है, नहीं तो कर्म कांड है उपासना कांड तो सब व्यर्थ हो जाएगा। फिर ज्ञान कैसे होगा, फिर अद्वैत का ज्ञान, बोले लक्षार्थ में अद्वैत है, लक्षार्थ में अद्वैत में कोई विरोध नहीं है, है ना, ऐसा है। इसलिए कहते हैं भगवान भाष्यकार यथा इतरेतर विरुद्ध द्वैतवाद, ये देखो ये वेदर्म दृष्टांत हुआ ना, है ना, स्वबुद्धि विकल्प मात्र, अपनी बुद्धि की विकल्पना है बस, अतः अतत्व निष्ठा, ये देखो ये तत्व में निष्ठा नहीं है,
है ना। हाँ, तत्वे निष्ठा यस्य सह तत्वनिष्ठ, और न तत्वनिष्ठा है अतत्वनिष्ठा है, तत्व में निष्ठा उनकी नहीं है, अथवा अतत्व निष्ठा ऐसा भी हो जाएगा। न तत्वमेति अतत्वम, मतलब कौन हो गया द्वैत, अतत्व हो गया द्वैत, उनकी निष्ठा कहाँ पर, द्वैत में निष्ठा है ना, अद्वैत में निष्ठा उनकी नहीं है। तब तो सब कर्मकांड होगा, कर्मकांड है, उपासना कांड है, लेकिन सांख्य है, योग है, न्याय है, वैशेषिक, ये सब जितने भी है ना, ये सब द्वैत को मानने पर ही होगा। लेकिन उनकी निष्ठा अतत्व में निष्ठा है, तत्व में निष्ठा नहीं है। तत्व क्या है, सत्य, तत्त्वम ब्रह्मणि यथार्थे, तत्व शब्द का अर्थ होता है यथार्थ, यथार्थ क्या है, जो तीनों काल में रहे वो होता है यथार्थ, जो तीनों काल में रहे ना उनमें उनकी निष्ठा नहीं है है ना, द्वैत पदार्थ में, मिथ्या में उनकी निष्ठा है। अतत्व निष्ठा इति शक्यम वक्तुम, ऐसा कह सकते हैं, ये वेदधर्म दृष्टांत। इसलिए हम तत्व में निष्ठा रखने वाले है और वो लोग अतत्व में निष्ठा रखने वाले है। अच्छा जी, आगे देखा जाए। महादेव व्याकरणवाणी इति एतत् अंतम वाक्यम, मैं व्याकरण करूं ऐसा कहा पहले, परमात्मा निरीक्षण किया, उसका व्याख्यान करके तद अनुद्य उसका अनुवाद करके तासाम इत्यादि, तासाम त्रिविद त्रिविद ये मंत्र आ रहा है ना, उसका व्याख्यान प्रारंभ करते हैं। शैवम मंत्र पहले देखा जाए, तासाम त्रिवितम त्रिवित मैकेकाम करवाणी थी सेयम देवते मास्तिश्रो देवता अनेनेव जीवेना अनेनेव जीवेनात्मनानु प्रविश्य आत्मनानु प्रविश्य नाम रूपे व्याकरोत्। तासाम कहने से देवता नाम, ये तीन देवता थे ना, तीसरे नाम देवता नाम मध्य, तो सबको क्या कर दिया, त्रिवित तीन तीन कर दिया है। पहले तो अपंचीकृत हुए ना, अपंचीकृत करना है तो बोलते हैं कि जो है मिला देंगे तो एक ही हो जाएगा ना, फिर तीन तीन कैसे होंगे, फिर बोलते एक जो प्रधान होगा और बाकी क्या हो जाएंगे, गौण हो जाएंगे। इसलिए भगवान ने कहा व्यास जी ने, वैशेष्यात् तद्वाद तद्वाद, जिन पदार्थ में जिस पदार्थ की प्रधानता ज़्यादा है उसका नाम होता है, तेज में तेज का प्रधान है इसलिए उसका नाम हो गया तेज, है कि नहीं, ऐसा ले लो इसी प्रकार ज्वाला आदि को समझ लो। त्रिविदम एक ही काम देवताम करवाणी, मैं करूं, करवाणी इति एक्षत, पहले कैसा पूर्व मंत्र में आया ना, करवाणी इति एक्षत, परमात्मा ने ऐसा इच्छण किया। सेयम देवता, देवता का नजर कौन, परमात्मा यहाँ पर। इमा तिस्रो देवता, अनेन एव इन तीन देवताओं में जीव रूप से प्रविष्ट करके अनुप्रविश्य, मतलब विराट शरीर में है ना, स्थूल शरीर हो जाता है ना, विराट शरीर हो जाता है, फिर नाम रूपे व्याकरो है ना, संकल्प के अनुसार, पूर्व में संकल्प किया इसलिए नाम रूप को व्याकरण कर दिया, पंचीकृत कर दिया, स्थूल कर दिया सेयम तिस्रो देवता अनुप्रविश्य स्वात्मा अवस्थे बीजभूते अव्याकृते नाम रूपे
व्याकरण वाणी, पहले अव्याकृत होता है ना, अपंचकृत होता है बीज रूप से, उसको मैं क्या करूं, पंचीकृत करूं। यहाँ पर उपलक्षण पंचीकरण है, छांदोग्य में त्रिवितकरण है, इसलिए उपलक्षण लेना है। इसको कहते हैं सर्व वेदांत प्रत्यय न्याय, जैसे उपासना है ना, उपासना सब अलग 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 होती है, यहाँ पर कुछ गुण कहा गया, वहाँ पर कुछ गुण कहा गया, लेकिन उपासना करते हैं सारे गुणों को मिला करके उपासना की जाती है। इसलिए सर्व वेदांत प्रत्यय न्याय ब्रह्मसूत्र में आया। इसी प्रकार यहाँ पर कहा त्रिवितकरण, तीनों भूतों का कहा, और वहाँ पर क्या कहा, पंचीकरण कहा तैतरीय में। इसलिए पंचीकरण जब मिलाने के जब प्रसंग आएगा तो सबको लेना है, केवल तीन को नहीं, आकाश वायु को भी लेना होता है। ये जो कहते हैं सर्व वेदांत प्रत्यय न्याय। इति इच्छित्वा तासाम च तिसृणाम देवतानां, तीन देवता है ना, हाँ, इसलिए देवतानां, देवता शब्द त्रिलिंग है, इसलिए कहा यहाँ पर तिसृणाम, त्रि है ना, त्रि शब्द को क्या होता है, तीसरी, त्रिलिंग में त्रि चतुरो स्त्रियाम तीसरी चतस्री, तीसरी आदेश हो जाता है, तीसरी आगे नाम षष्ठी बहुवचन में, तो तीसरी के री को दीर्घ होना चाहिए ना, नामी से नहीं होता है, ना तीसरी चतस्री, इसलिए उसको दीर्घ नहीं होता, इसलिए तीसरी होना चाहिए ना, इसलिए नहीं हुआ। तीसृणाम देवतानाम एकेकम त्रिवितम त्रिवितम करवाणी, एक को मैं क्या करूँ, तीन तीन कर दो, है ना, सब क्या भी बताएंगे आगे। किस प्रकार से, थोड़ा सा दिया है देखो टीका में, करवाणी ती एक्षति ती संबंध, ये जो करवाणी बोल दिया ना, मैंने करूँ, करवाणी ती एक्षत, एक्षत कहाँ पर आया, पूर्व मंत्र में आया, परमात्मा ने ऐसा इच्छण किया, आया पकड़ में। अच्छा, कथम पुनरिदम त्रिविदम करणम, हैं, एक एक के जो है उसको त्रिविद कैसे कर दिया, तीन भाग कैसे कर दिया, देखो प्रथमम एक एक काम देवताम द्विधा द्विधा, हाँ, सबको देखो दो दो भाग कर दिया, तेज को दो भाग किया, जल को दो भाग किया, पृथ्वी को भी दो भाग कर दिया, कितने भाग हो गए, छह भाग हो गए, हाँ, इतना तो आना चाहिए, नहीं तो फिर इसी को भी मोबाइल पकड़ोगे तो कैसे होगा। तो एकम एकम भागम द्विधा द्विधा कृत्या, फिर तद इतर भागयोर निक्षिप्य, जो आधा भाग रहा ना उसको भी क्या कर दो, दो टुकड़ा कर दो, और उसको फिर क्या है, दोनों में जोड़ दीजिए, तेज के एक भाग को रखा, दूसरे भाग को दो भाग कर दो, समझ में ना, और वो दो भाग का कर दो, जल में जोड़ दो, पृथ्वी में जोड़ दो, ओके कि नहीं, ठीक है। तो तेज के जो आधा भाग चला गया तो कितना रहा, 50% रहा ना, फिर इसी प्रकार जल का भी थोड़ा आ गया, पृथ्वी का भी आ गया, तो तेज में किसकी मात्रा ज़्यादा हुई, तेज की मात्रा ज़्यादा, इसलिए उसका नाम तेज। ये होता है, तो इतर भाग और निक्षिप्य, इसी का नाम होता है त्रिवित करणम विवक्षित, ठीक है, इस जगह पंचीकरण भी ऐसे ही होता है। वहाँ पर चार भाग कर देंगे, यहाँ पर दो भाग किए, पहले तो आधा किया, आधा भाग का फिर चार भाग कर दिया, वो पंचीकरण होता है। एकैकस्या त्रिवित करण एकैकस्या, देखो आगे लिखते हैं, तो सबको मिला देंगे तो फिर एक हो जाएगा ना, फिर है ना, तो फिर जो है ये अलग अलग नाम अलग अलग व्यवहार कैसे होगा, देखो ये लिखते हैं भगवान, एकैकस्याः प्राधान्यम, तेज में प्रधान तेज की होती है ना, और बाकी जो है जल है पृथ्वी है उसका जो है ना कम होगा, इसलिए गुण भाव मतलब कम गौण हो गया, है ना,
अन्यथा ही यदि ऐसा नहीं मानोगे आप तो सब तो सब मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा ना, फिर एक हो जाएगा। ये कह रहा देखो, जैसे कहते हैं अन्यथा ही रज्ज्वा इव एकमेव त्रिविध करणम स्यात्। ये त्रिविध करण तो एक ही पदार्थ हो जाएगा ना, तीन कैसे होएंगे, तेज है, जल है, तेज ये पृथ्वी है, स्थूल हो गया तो अलग अलग हो गया ना। ये अभी जो हम देख रहे हैं तेज को, ये हो गया स्थूल, ये त्रिविध करण है, ये त्रिविध कृत है। ये वो बनने से पहले जो तेज था उसको होता है रूप तन मात्रा, अब बनने के बाद ये तेज, ये सूर्यमंडल ये स्थूल है, ये सूक्ष्म नहीं। जल जो पी रहे हैं ये भी स्थूल है और जहाँ पर बैठे हैं ये भी स्थूल है, ये त्रिविध कृत है ना। लेकिन यहाँ पर भी तेज है, ये जमीन पर, यहाँ पर भी जल है, ऐसा समझना है। लेकिन सबको मिला देंगे तो एक पदार्थ हो जाएगा ना। जैसे मान लीजिए रस्सी, रस्सी कह दिया, अन्यथा ही रज्ज्वा इव एकम एव त्रिविध करणम स्यात्। जैसे रज्जु कह दिया रज्ज्वा, देखो षष्ठी बहु एक वचन है रज्जु, हाँ रज्जु का षष्ठी एक वचन बनेगा रज्ज्वा। हाँ रज्ज्वा कैसे होगा, रज्ज्वा रज्जु देखो स्त्रीलिंग में चलता है, रज्जु शब्द स्त्रीलिंग है, उसकी जो है ना घी संज्ञा होती है। आप लोग व्याकरण पढ़े हैं लघु में, रज्जु की घी संज्ञा किससे होगी, जैसे कैसे की ना गीति ह्रस्वश्च, क्या सूत्र गीति ह्रस्वश्च, वहां पर धेनु शब्द आया, मति शब्द आया, अजस्त्रीलिंग में देखिएगा गीति हर्षश्च, गीत पर रहते ना, गीत में यहाँ पर विकल्प से क्या होगा, नदी संज्ञा होगी, क्या होगी नदी संज्ञा होगी, नदी संज्ञा होने से क्या होगा आण नद्या, इसलिए रज्जु से परे गंस को क्या कम होगा, आठ अगम हो जाएगा, है कि नहीं, इसलिए क्या बन जाएगा रज्ज्वाहा, ठीक है। जैसे धेनु का धेनु बनता है, हालांकि दूर बनते हैं, जब नदी संज्ञा नहीं होगा तो घी संज्ञा हो जाएगी, ये रज्ज्वा भी बनेगा और रज्ज्वो भी बनेगा। जैसे धेनु का बनता है धेनुहा भी बनेगा, धेनवो भी बनता है, धेनोहो धेनो भी बनते हैं, ठीक है। इसी बगैर यहाँ पर तो रज्ज्वा इव एकमेव त्रिविध करणम स्यात्। टीका में दिया इसी के ऊपर गुण प्रधान भावानंगीकार, यदि प्रधान एक में एक पदार्थ प्रधान हो बाकी गौण हो, ऐसा यदि आप स्वीकार नहीं करेंगे तो क्या होगा, समान परिमाण सूत्र त्रय निर्मित रज्जुवत। है देखो जैसे तीन धागा है, मान लीजिए तीन धागा मिला करके एक जो है ना बस बड़ी रस्सी बना देते हैं, उसी कह रहे यहाँ पर रज्जु, तीन धागे को मिला करके बांट दिया तो क्या बन गया रस्सी वो रस्सी कितने हुई, एक हुई कि तीन हुई, एक ही हो गया ना, धागे तीन थे और मिला दिया तो एक रस्सी होती। इसी प्रकार तेज जल पृथ्वी अलग अलग थे, मिला देंगे तो एक ही होगा ना, तीन कैसे होंगे हाँ तीन नहीं होते हैं, सब अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए एक प्रधान है बाकी दो गौण है, इसलिए तीन हो जाएंगे, ये तात्पर्य ठीक है। इत्याह अन्यता का एव कारार्थम, यहाँ पर एव कह दिया ना, न तो तिष्णाम पृथक पृथक त्रिविध करणम, हाँ तीनों का सब अलग अलग कर दिया ऐसा नहीं, एवं ही थोड़ी टीका है गुण प्रधान भावेन त्रिविध करणम उपसंहरतम इति शब्द, यहाँ पर इति शब्द आ गया ना कहाँ पर भाष्य में, इति शब्द ये त्रिविध करण का उपसंहार के लिए। त्रिविध करण कैसे हुआ, एक पदार्थ की प्रधानता रहेगी और बाकी दो पदार्थ का गौण होगा, कम होगा, ठीक है, ये है त्रिविध करण। और पंचीकरण में भी ऐसे समझना है ना, एक भूत प्रधान होगा, चार भूत गौण होंगे, ठीक है। अच्छा जी, इतश्च, और इससे भी
गुण प्रधान भाव है ना त्रिवितकरणम अष्टभ्यम, गुण प्रधान भाव को लेकर के त्रिवितकरण होता है, पर तीनों को बराबर मिलाकर नहीं होता है। एवं ही तेजो अप अन्नानाम पृथक नाम प्रत्ययलाभ स्यात्। तेज इदम इमा आपो अन्नम इदम इदीज पृथंग नाम प्रत्यलाभे देवतानाम सम्यक व्यवहारस्य प्रसिद्धि प्रयोजनम स्यात्। ये देखो तो कार्य भी इसी पे ना, कार्यों को देख करके कारण का अनुमान करना पड़ता है। ये तेज जल और अन्न, अन्न मतलब पृथ्वी हुई, क्योंकि तीनों का अलग अलग नाम हो रहा है कि नहीं, त्रिवित करण के बाद तीनों का अलग अलग नाम हो रहा है, पृथक नाम और पृथंग प्रत्यय, प्रथम ज्ञान भी हो रहा है ना, ये हो रहा है, प्राप्ति हो रही है। कैसे ये बोलते ये तेज है और इसका नाम क्या है जल है, इसका नाम पृथ्वी है, और ज्ञान भी उसी प्रकार हो रहा है कि नहीं। पृथक नाम प्रत्यय लाभ है और देवता नाम सम्यक व्यवहार प्रसिद्धि, और बनने के बाद जो देवता, देवता मतलब तेजादी, स्थूल जो तेजादी है उसका व्यवहार भी हो रहा है। तेज से कौन सा व्यवहार है, दाहक, अग्नि से भोजन बनाते हो, ये दाहकत्व हो गया, पाचकत्व हुआ है कि नहीं। और जल से क्या करते हैं, जल से जो पीते हैं, व्यवहार करते हैं जल का, वो है कि नहीं। इसलिए जो और पृथ्वी से, पृथ्वी बैठते हैं, कुछ करते हैं, घट वगैरह बनाते हैं, ये सब व्यवहार की प्रसिद्धि हो, ये प्रयोजन है, सिद्ध होगा है ना। एवं इच्छित्वा, इस प्रकार से परमात्मा ने इच्छण करके सायम देवता, सायम देवता कौन, परमात्मा, तीसरो देवता हा, तीन देवता पहले है, तेज जल और पृथ्वी, अनेन एव जतक्तेन एव जीवेन, और उसमें जीव रूप से परमात्मा प्रविष्ट हो गए। जैसे सूर्य बिंबवत अंत प्रविश्य, जैसे सूर्य का प्रतिबिंब जल में है, सूर्य का भासना ही वहाँ पर प्रवेश है, कोई वास्तविक प्रवेश नहीं है, ये प्रविष्टवत उपलब्यते है ना, वहाँ पर प्रतिबिंब भाव होना यही है प्रवेश। इसी प्रकार परमात्मा का प्रवेश है शरीर में। बैराजम पिंडम प्रथमम, पहला जो होता है पिंड क्या, बैराज विराज, विराज इदम बैराट, बैराजम बोले विराट का शरीर होता है स्थूल समष्टि, देवादिनाम पिंडान, क्योंकि उसमें देवता ही व्यक्त होते हैं, उनका पिंड, पिंड वाला शरीर, उसमें प्रवेश करके अनुप्रविश्य यथा संकल्पम एव, पहले संकल्प किया ना मैं इसको बनाऊँ, इसलिए पूर्व संकल्प के अनुसार आगे होता है, जीव का तो ऐसा नहीं होता है। हाँ बोलते हैं हाँ लघु सिद्धांत को मदि पढ़ेंगे, और कल बोलते नहीं आप नहीं पढ़ेंगे, ये तो जीव का संकल्प ऐसे होता है, लेकिन परमात्मा का संकल्प ऐसा नहीं, पूर्व संकल्प के अनुसार ही आगे का कार्य होता है। यथा संकल्पम एव मतलब संकल्पम अनतिक्रम्य, संकल्प का अतिक्रम न करके ही परमात्मा का कार्य होता है। नाम रूपे व्याकरो, नाम रूप का व्याकरण किया, क्योंकि नाम रूप को अभिव्यक्त करने के लिए संकल्प किया था, है कि नहीं। तो इसलिए संकल्प के अनुसार ही संकल्प का जो विषय था उसको बना दिया। नाम रूपे व्याकरो, कैसे असौ नाम, इसका ये नाम है, और अयम इदम रूप, इदम रूपम यस्य, इसका ये रूप, जैसे इसका नाम घट, अयम घट, और घट कैसा है, कॉम्बो ग्रीवादिमान, गोल मोटल वाला है, ये हो गया रूप। इस प्रकार नाम रूप को परमात्मा ने बनाया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनि व्योमवत् व्याप्तदेहाय।
दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।